हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद मुसल सोटा लेकर पानीपत प्रेस वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का 3% खेल कोटा खत्म कर दिया है। इस निर्णय से सरकार ने सीधे सीधे खिलाड़ियों की 15,000 सरकारी नौकरियों पर डाका डाला है। ये सरकार हरियाणा के लाखों खिलाड़ियों को बर्बाद करना चाहती है। नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि खिलाड़ियों का कोटा वापस करें, नहीं तो 2 अप्रैल को नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, उसी दिन माता रानी का आशीर्वाद लेकर रोहतक स्थित मानसरोवर पार्क में दोपहर 12 बजे पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ एकत्रित होंगे और भाजपा कार्यालय, मुख्य कार्यालय, राज्य कार्यालय का घेराव करेंगे। नवीन जयहिंद ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पानीपत के सभी खिलाड़ियों से अपील की है कि सभी खिलाड़ी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाएं और 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे रोहतक मानसरोवर पार्क पहुंचें। पानीपत से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। इसमें इतनी खेल नर्सरियां हैं, इतने खिलाड़ी जुड़े हैं, क्या सारे क्या इकट्ठे होकर इस मांग को उठा रहे हैं, क्या एजिटेशन करेंगे? एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ए बच्चों के लिए भाई उन्होंने भाई एक चीज और बता देता हूं मैं, ये जिस दिन से अनाउंसमेंट करा है हमने हिसार में करा था, वहां कोचों को खिलाड़ियों को कह दिया कोई नहीं जगह जो सरकारी वो है ना कोचर वो, अब हमने रोहतक में ये करा है भाई साहब, मुख्यमंत्री जी को और खेल मंत्री जी को ये कह रहे हैं 1 तारीख तक का टाइम है, इस पॉलिसी को अपनी को वापस ले ले, और नहीं तो भाई साहब 2 तारीख ना पहला नवरात्र है माता रानी का, और यो है मुकदर मार दो रहा मुसल कह लो इसने, सोटा कह लो, यो सोटा को इसने और चाहे इसने मुकदर को, तो हम तेन ये कहें भाई के तो दे दो खिलाड़िया ने कोटा ना, तो फिर हम देंगे सोटा, हमारा तो ये कहना 2 तारीख ने रोहतक में बीजेपी का जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है पूरे हरियाणा का इनका, जो बीजेपी का राज्य कार्यालय रोहतक में है, उसके बाहर होगा दंगल भाई साहब, आप भी देखना जाना ना, तो वैसे फोन पर देख लेना, हम तो ही सरकार ने कहे हैं उड़े दंगल होगा, और उड़े देख लो कितना है रोक लो, कितनी है धमकी दे लो, कितने डरा लो, किससे ने खिलाड़ी डरा लो, और किससे ने डरा लो, अपनी पॉलिसी ने उल्टी ले लो, हम तो यहाँ कहे हैं, और नहीं तो भाई साहब उड़े छोटा बच्चा जो होगा देख लेंगे फिर और क्यों होना भाई साहब, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं संस्कृति है, अकेला खिलाड़ियों का मामला नहीं है। इस प्रदर्शन में आप अच्छी बात करो, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे भाई साहब, उड़े डंड मारते जावांगे, उड़े कुश्ती करवाऊंगा, दंगल करवाऊंगा, उड़े देखियो आप इनके कार्यालय के बाहर दंगल करवाऊंगा, अच्छी बात करो हो सारे खिलाड़ी आओगे उड़े उड़े मैच करवाऊंगा देखियो, और नो थोड़ी है भाई साहब, और बैटिंग वाला ना छोड़ देंगे तो प्रूव हो गया ना, और मैं ये कह रहा था मुख्यमंत्री है जब खुद घर में ये गड़बड़ होने लग रही है 7 साल तक, तो मुख्यमंत्री है जो करनाल में गड़बड़ होने लग रही है, तो पानीपत का क्या बेरा, रोहतक में क्यों होने लग रहा है, गुड़गांव में क्यों होने लग रहा है, क्या बेरा उसने, तो हम तो ये कह रहे हैं हरियाणा में क्या आ रहे हैं, अब बेईमान का ना भरे ना तो नू ये क्या करे ना, गोबर खा ले भाई, तो भाई साहब हम तो गोबर ले गए थे, गोशे ले गए थे, हम तो सब तेन ये कहे भाई जितने रुपये मांगे उन तक गोशे ले जाए थे, तो अपना गोशे दिया रहे ना दो टाइम तक दिया रहा गोशे, एक तेन कह रहा भाई बेईमान का ना भरता हो तो गोबर खा ले, दूसरा जब अमर जाम तो नहीं मान रहे अमर रोड सरकार है तो उन गोशे दिया यार दो की फर्क पड़ी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।